हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट चल रहा है, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। आइए चौथा क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार और कह सकते हो इस बार इंटरनल की जान था ये क्वेश्चन, है ना। AR, VR और MR इन तीनों के बारे में बार बार पूछा गया है। अब ये क्या होते हैं, AR ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, वर्चुअल रियलिटी होती है और मिक्स रियलिटी होती है, और अब तो XR यानी एक्सटेंडेड रियलिटी भी इसकी शुरू हो गई है। सबके ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा। ये मार्कर दिख रहा होगा सबको, बिल्कुल विजिबल ही है ना। तो ये जो मार्कर है ये आपको बाय फोन दिख रहा है। अब ऐसी ही रियलिटी कुछ बना दी जाए और आपके रियल वर्ल्ड में दिख जाए, मतलब वो चीज़ वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है लेकिन वो आप वहाँ पर देख पा रहे हैं, लाइक कि एक सोफे का मैंने डिज़ाइन बनाया, एक सोफे का वर्चुअल डिज़ाइन बनाया, जिस वर्चुअल बनाया मतलब कि वो सोफ़ा 3D मैंने बना दिया और उसको मैं मेरे ड्राइंग रूम में या मेरे लिविंग रूम में रख के देख रहा हूँ कि वो सोफ़ा वहाँ पर कैसा नज़र आ रहा है। वो सोफ़ा वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है ना, मैं नॉर्मल आँखों से देख पा रहा हूँ उसको, लेकिन मैं कैमरे की सहायता से, मोबाइल फ़ोन की, स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर की सहायता से उसको वहाँ पर प्लेस करके एक्चुअल बैकग्राउंड में वो कैसा लगेगा। और ये मोबाइल में नहीं देख रहा हूँ, यहाँ मैं रियल वर्ल्ड में देख रहा हूँ। यहाँ पर आप फोटो देखेंगे, इसके लिए पोकेमॉन गो मैंने एक गेम बताया था। इसके अलावा AR इनेबल्ड बहुत सारे फ़ोन्स आ गए हैं जो AR इनेबल्ड सारी चीज़ें बताते हैं। आप घर में, जैसे हमारे घर में होता है, शेर घुमाते हैं हम, है ना, गुड़िया के लिए शेर घुमाते हैं, कभी बंदर घुमाते हैं, कभी हाथी घुमाते हैं। नहीं तो AR की कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना, अगर आपका फ़ोन भी इनेबल्ड नहीं है तो AR की एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसके हेल्प से आप ये सारी की सारी चीज़ें एक बार विजुअल कर सकते हो कि आपके हाथ के ऊपर, आपके हाथ के ऊपर कोई प्रोटोटाइप, कोई भी एनिमल मूव ऑन होते हुए आपको दिखेगा, वो कहलाएगी ऑगमेंटेड रियलिटी। यानी रियलिटी को, रियलिटी को जो वर्चुअल थिंग है उसको रियल वर्ल्ड के अंदर लाना, ये ऑगमेंटेड रियलिटी है। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, वर्चुअल रियलिटी में हम डिजिटल वर्ल्ड में चले जाते हैं, यानी कि मैंने वर्चुअल VR हैंडसेट पहन लिया, उसके बाद मुझे लगेगा कि चारों तरफ क्या चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है और इंडिया जीत चुकी है ना, और मैं उस स्टेडियम का पार्ट हो गया हूँ। तो आपने कोई मूवी भी देखी होगी 7D, उसके अंदर भी VR हैंडसेट, आजकल तो एंटरटेनमेंट जोन में VR हैंडसेट का बहुत यूज़ होता है। क्रिकेट खेलते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, है ना, कोई फाइटिंग के गेम चलते हैं, तो ये VR हैंडसेट्स करते हैं। यहाँ पर हम रियलिटी, वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी में वर्चुअल थिंग्स रियल वर्ल्ड में आ रही होती है, और मिक्स रियलिटी में इसका कॉम्बो होता है, यानी कि इसके अंदर वर्चुअल थिंग्स भी होती हैं और ऑगमेंटेड थिंग्स भी होती हैं। शार्क टैंक पे एक एपिसोड भी इस रिगार्डिंग आया था, मिक्स रियलिटी के उनका एक ब्रांड था, मैं भूल गया थोड़ा सा, है ना। ये इसकी चीज़ें। तो AR का यूज़ कहाँ होता है, रिटेल में, एजुकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, जब आप कहते हैं ना 3D करके आपको कोई चीज़ दिखाई गई, तो वो वाली सारी चीज़ें हैं। वर्चुअल रियलिटी का यूज़ कहाँ होगा, वही ट्रेनिंग करने में हमको, एंटरटेनमेंट में, डिज़ाइन करने में, थेरेपी करने में, प्रोटोटाइप बनाने में। और मिक्स रियलिटी बेसिकली मर्जर होती है रियल और वर्चुअल वर्ल्ड का। अब इन तीनों को भी मिला के एक्सटेंडेड रियलिटी बन गई है। अब इन तीनों में से चूज़ कौन सी करनी है, अभी ये समझ लेना। एक बार कंसेप्ट इसका समझा देता हूँ, उसके बाद इसको चूज़ करना और एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होती है वो भी समझा देता हूँ। सबसे पहले AR व्हेन यू वांट्स टू एनहांस द रियल वर्ल्ड। जब ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ कब करना है, जब आपको रियल वर्ल्ड को बड़ा करना है। वर्चुअल रियलिटी का वर्ल्ड कब करना है, जब आपको इंटरेक्शन का एक्सपीरियंस लेना है, जब आपको कंप्लीट एक्सपीरियंस लेना है। क्योंकि ऑगमेंटेड रियलिटी में यहाँ पर वो पॉइंट तो आ गया, कोई डिजिटल पोकेमोन तो आ गया हमारा, कोई एनिमल तो आ गया, लेकिन हम उसको टच नहीं कर पाए, हमको फील नहीं आया। जब फील ले आना है तो VR, और जब रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट के साथ हमको इंटरेक्ट करना है, जब यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट भी रख देना है और उसके साथ हमको इंटरेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट आया था, एनिमल आया था, उसको टच करके भी हमको महसूस करना है या उसकी आवाज़ को रियल वर्ल्ड के अंदर सुनना है, तो वो MR का हमको यूज़ करना है, मिक्स रियलिटी का। अब इसका फ्यूचर आ गया एक्सटेंडेड रियलिटी, मैंने बोला ही है XR। इसके अंदर तीनों एप्लीकेशन को मिला के, फिजिकली और डिजिटल वर्ल्ड को मिला के, आपको एक नई रियलिटी दे दी जाएगी, जिसके अंदर आप रहेंगे, जिसके अंदर आप खाना खाएंगे, जिसके अंदर आप अपनी सारी नेचुरल एक्टिविटी करेंगे, लेकिन आप होंगे एक डिजिटल एनवायरनमेंट के अंदर। एक पिक्चर भी आई थी इस रिगार्डिंग, जिसमें वो सोया हुआ रहता है और कॉइन घुमाता रहता है, मैं नाम भूल गया, बहुत शानदार पिक्चर थी।
लियोनार्डो साहब की थी। आज तो बहुत चीज़ें भूल रहा हूँ मैं, क्या करें, हम इंडिया जीत गई तो सब भुला दिया हमने, लेकिन टॉपिक यही है। तो फ्यूचर चल रहा है XR, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है ये भी मैं बता देता हूँ, लेकिन एग्जाम में लिखोगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि एक्सटेंडेड रियलिटी नेक्स्ट जनरेशन की रियलिटी, इससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, रिवोल्यूशन कम्युनिकेशन होगा। रिवोल्यूशन कम्युनिकेशन मतलब आपको यहाँ से किसी से मिलकर आना है, मुझसे ही मिलने आना है, तो आप स्वयं प्रेजेंट हो सकते हो। वो पिक्चर आई थी ना किक वाली, जिसमें किक नहीं मिल रही थी सलमान खान को, है ना, और उसके अंदर वो होलोग्राम दिखा रहा होता है इधर से उधर घूमने वाला, तो वो एक तरीके का उसमें टचिंग भी हो सकती है, टचिंग का बात कह सकते हो, आप उसको टच करके देख सकते हो, आप उसकी आवाज़ सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो वो रिवोल्यूशनल कम्युनिकेशन पे अभी वर्क चल रहा है एक्चुअल में, है ना। टेली प्रेजेंस ये हमने मार्वल्स मूवीज़ में तो बहुत देख रखा है। अब इसके चैलेंजेस क्या हैं इस तरीके के रियलिटी, सबसे पहला तो इनका प्राइवेसी का इशू रहता है, सबसे पहला ये जो ह्यूमिलेशन है इसके अंदर उसको कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं, मींस के उसको कहीं जाके इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें कोई हेड नहीं है, है ना। मतलब कि आप ये समझिए कि किसी ने आपको ऑगमेंटेड रियलिटी में आप गए और वो भी ऑगमेंटेड रियलिटी में आया, या आप VR में गए वो VR में गए और दोनों ने एक दूसरे के साथ लड़ाई करी और एक जना हार गया और उसके दूसरा जना जीत गया, जिससे आपकी बहुत कह सकते हो लीचिंग हुई, और उसके बाद आपने जाके कुछ कह सकते हो मेंटल हेल्थ को बहुत इशू हुआ। अब उस मेंटल हेल्थ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिसने वो आपके साथ वे ऑफ बिहेवियर करा, उस वे ऑफ बिहेवियर को कौन गवर्न कर रहा है। जैसे इस देश में आप किसी को चाकू मारोगे तो भारत का कानून लागू होगा, लेकिन उस वर्चुअल रियलिटी में कौन सा कानून लागू हो रहा है, वो मेन आ रहा है। तो इथिकल कंसिडरेशन और कॉस्ट इसमें हमेशा एक की एस्पेक्ट रहते हैं, और प्राइवेसी कंसर्न तो है, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। तो AR, VR, MR और XR चारों अच्छे से याद रख लेना, है ना। XR आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, लेकिन लिखोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।